हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। अब एक दिन लगाकर हमने प्लानिंग प्रोसेस को कंप्लीट करा। नेक्स्ट डे यानी कि बेटा, जो कल का लेक्चर था उसमें लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग डन हो चुके हैं। आज बेटा प्लानिंग के फीचर्स पढ़ते हैं, ठीक है। आज टारगेट बहुत जरा सा है, 20 मिनट के अप्रॉक्स लगना चाहिए, सारे के सारे फीचर्स समझ में आ जाए। बाबू, सबसे पहले सबसे लास्ट फीचर पढ़ेंगे। नोट्स में लिखा है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। बाबू क्या मतलब इसका? बेटा प्लानिंग इज अ थिंकिंग फंक्शन रादर देन अ डूइंग फंक्शन। बेटा प्लानिंग को क्यों बोला गया बेटा कि ये एक मेंटल एक्सरसाइज है? पूरा दिमाग घुमा देती है प्लानिंग, पूरा दिमाग चलाना आ जाता है। बेटा प्लानिंग ना इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, रिक्वायरिंग एप्लीकेशन ऑफ माइंड, साउंड जजमेंट एंड इमेजिनेशन। करता हूँ आपसे बात, क्या मतलब है इस चीज का? एक बात बताओ बेटा, प्लानिंग प्रोसेस, मुझे लगता है यहाँ पर जितने बैठे ऑलमोस्ट सबने पढ़ा है। प्लानिंग प्रोसेस में सेकेंड स्टेप होता था डेवलपिंग प्रेमाइसिस। बेटा प्रेमाइसिस डेवलप करना मतलब पीपिंग इनटू द फ्यूचर, फॉरकास्टिंग करना। अच्छा एक बात बताओ, फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में प्रोडिक्शन करना, क्या बहुत आसान काम समझते हो? प्लानिंग रिक्वायर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। कितना ज्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा आपको प्लानिंग करने के लिए, आपको समझ में आ रहा होगा। प्रीमाइसेस डेवलप करना कोई बेटा लेमैन का काम नहीं है, दिखाई दे रहा है बेटा? बहुत कुछ सोचना समझना होगा। इसके बाद बेटा, जिस ऑब्जेक्टिव को आपने सेट किया है उसको अचीव करने के लिए हम थर्ड स्टेप में क्या करते थे? आइडेंटिफाई करते थे वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। बेटा इतने सारे ऑल्टरनेटिव सोचना जहां से उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है, आपको नहीं लगता बहुत इमेजिनेशन की चीज है? अगेन इट विल टू रिक्वायर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। फिर बेटा उनका इवेल्युएट करना, सबके पॉजिटिव नेगेटिव लिखना। सर अगेन कहीं ना कहीं बहुत दिमाग का काम है, कितना सोचना पड़ रहा है। इसलिए प्लानिंग को बोला जाता है थिंकिंग फंक्शन, प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। बाबू उसके बाद एक ऑल्टरनेटिव को बेस्ट को सेलेक्ट करना। बाबू कहीं ना कहीं यू नीड द साउंड जजमेंट टू। बाबू प्लानिंग में हमें कोई हल थोड़ी जोतनी है, प्लानिंग में हम कोई एक्चुअल प्रोडक्शन थोड़ी कर रहे हैं, कोई सेल्स की बात थोड़ी कर रहे हैं। प्लानिंग इज अ थिंकिंग फंक्शन रादर देन अ डूइंग फंक्शन। तो बेटा गलत थोड़ी कह रहा, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है आपकी, सारा काम ही सोचने समझने का। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ गई क्यों प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है? इजी वन बाबू। उसके बाद शायद सेकेंड नंबर पर हेडिंग लिखी होगी प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब किस बात का? प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये मत लिखाना। यस श्योरली प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्यों है प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन? मेरे को तो ये प्रूव करना है। क्यों बेटा? ऑल द अदर मैनेजीरियल फंक्शन आर बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव आर सेट अंडर द प्लानिंग। आप एक बार सोच कर तो देखो, ऑर्गेनाइजिंग में करते क्या हो? ऑर्गेनाइजिंग में हम सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करते हैं, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस इकट्ठा करते हैं। किस हिसाब से? ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही तो। मेरा अगर ऑब्जेक्टिव 12 लाख यूनिट को प्रोड्यूस करके बेचने का है, तो बेटा 12 लाख यूनिट का रॉ मटेरियल तो खरीदता हूँ ऑर्गेनाइजिंग में। 12 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकूँ उतनी मशीनरी तो खरीदता हूँ, सारे फाइनेंसेस तो अरेंज करता हूँ। स्टाफिंग में क्या करता हूँ बेटा? ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्रूटमेंट करता हूँ। बाबू किस हिसाब से ह्यूमन रिसोर्सेज सोचता हूँ? अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सोचता हूँ, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए जो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव करा देंगे। डायरेक्टिंग में क्या करता हूँ? उतनी ही एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ और सेल करने की कोशिश करता हूँ जो मेरा ऑब्जेक्टिव है। कंट्रोलिंग में क्या करता हूँ? अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को ही ऑब्जेक्टिव के साथ कंपेयर करता हूँ। ऑल द अदर मैनेजेरियल फंक्शन आर बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव आर सेट अंडर द प्लानिंग। यानी कि बेटा प्लानिंग प्रसीड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर मैनेजेरियल फंक्शन। प्लानिंग गिव पार्ट टू ऑल अदर मैनेजेरियल फंक्शन। अगर प्लानिंग हटा दो बेटा, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कुछ नहीं दिखेगा, सब खत्म है। प्लानिंग के बिना कोई नहीं है। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर प्लानिंग गया सब गए, तो दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आई? सारे के सारे फंक्शन ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड है, और ऑब्जेक्टिव यानी कि प्लानिंग
पहले नंबर पर ही आना चाहिए, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। दो बातें, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दोनों हेडिंग रीड करके बता दें, एक सेकंड लो पढ़ो। सेकंड लास्ट नंबर पर हेडिंग लिखी होगी प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। बेटा प्लानिंग में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। वैसे बता देता हूँ बेटा, जब मैं परसों पढ़वा रहा था आपको सारे के सारे प्रोसेस, बेटा प्रोसेस में ना फिफ्थ स्टेप आता था सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेट, और मैंने कहा था एक बार ना ये लाइन फर्स्ट लाइन इसकी दोबारा से अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना, इसका मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं लिखा था दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। बेटा प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग तो करनी पड़ती है आपको एक जगह पर। जब एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं इन सबको इवेल्युएट करता हूँ, उनमें से एक सेलेक्ट तो करना ही पड़ता है, तो डिसीजन मेकिंग तो प्लानिंग में करनी ही पड़ती है। किसी काम को करने का एक तरीका थोड़ी है। मैं उस दिन भी बोल रहा था यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है, एक तरीका नहीं है दिल्ली जाने का, मुझे सोचना पड़ेगा मेरे लिए बेस्ट रूट क्या है, ठीक है ना। अगर मैं सेल्स बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का मेरा ऑब्जेक्टिव सेल बढ़ाना है, तो सेल बढ़ाने का कोई एक तरीका नहीं है, यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो बेटा प्लानिंग में डिसीजन तो लेना ही पड़ता है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव मेरे लिए बेस्ट है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। और ऐसा बेटा बहुत सारे लोग बोलते हैं देयर इज नो नीड ऑफ प्लानिंग इफ देयर इज ओनली वन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग की जरूरत ही नहीं अगर किसी काम को करने का तरीका ही है, तो क्या करोगे प्लान करके? समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो बेटा आपने एक मशीनरी इंपोर्ट करना चाहते हो किसी कंट्री से, और बेटा आप एक बहुत बड़ी कंपनी हो, मान लो ब्रिटानिया हो, आप उस मशीनरी से ना बेटा रस, केक रस और बिस्किट, ऐसी चीजें, बंस, ये प्रोड्यूस करना चाहते हो। बेटा ऐसी मशीन, ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल नहीं, आप इंपोर्ट करना चाहते हो, और बेटा वो मशीन की कीमत है 20 CR इन इंडियन रुपी बाबू, और उसका लाइसेंस ना, क्योंकि बहुत बड़ी फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ही कॉरपोरेशन को दिया हुआ है, STC को दिया हुआ है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, कि इसी के थ्रू इम्पोर्ट हो सकता है बाबू। अच्छा अगर ऑप्शन ही अकेला ही है कि इसी के थ्रू इम्पोर्ट हो सकता है, फिर तो बात ही क्या रह गई, फिर प्लानिंग की जरूरत क्या है? क्या करोगे आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन में? एक ही ऑल्टरनेटिव है, क्या करोगे इवेल्युएशन करके? सिलेक्ट ही ऑल्टरनेटिव होना कुछ है ही। तो वो कहते हैं प्लानिंग की जरूरत ही नहीं होती अगर किसी काम को करने का तरीका ही है, क्या है? क्योंकि बेटा एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसलिए प्लानिंग में आपको डिसीजन लेना पड़ता है। और बेटा एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग हमेशा डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव पर। कितनी प्लानिंग होगी, कितनी एक्सरसाइज आपकी होगी, ये हमेशा डिपेंड करेगा कितने ऑल्टरनेटिव है। मैं कहूँ किसी काम को करने के दो ही ऑल्टरनेटिव हैं, सर एक्सरसाइज कम है, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव निकालने हो जाएगा काम। लेकिन मैं कहूँ बेटा कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था क्लीन गंगा मिशन, इंडिया में एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है क्लीन गंगा मिशन, 2009-10 से चल रहा है, 250 से 300 ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करे थे लोगों ने गंगा को साफ करने। सर अगर किसी चीज को करने के 250 से 300 तरीके हैं, उनको इवैल्यूएट करना, सबके पॉजिटिव नेगेटिव लिखना और उसमें से एक सेलेक्ट करना, सर बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। मैंने यही बताने की कोशिश करी बेटा कि जितनी ज्यादा ऑल्टरनेटिव होंगे उतनी खतरनाक होगी प्लानिंग। एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग हमेशा डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव पर। नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव का हम प्लानिंग में भी बहुत कम टाइम खर्च होगा, बहुत कम पैसा खर्च होगा। जितने ज्यादा ऑल्टरनेटिव होंगे उतनी ज्यादा बेटा आपकी एक्सरसाइज बढ़ती चली जाए। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सारा का सारा टॉपिक प्लानिंग प्रोसेस से लिंक्ड है। मैंने अभी तक तीन हेडिंग की बात कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं आई? वो फोर्थ हेडिंग है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है जी, जिस भी नंबर पर लिखी है नोट्स में देख लो आप, शायद फोर्थ ही नंबर पर है। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस बाबू, ये बात भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। फॉलो अप एक्शन याद करो प्लानिंग प्रोसेस का 7th स्टेप लास्ट है। मैंने बेटा क्या बोला था परसों आपको, बेटा मैनेजर की जॉब ओवर नहीं हो जाती बाय सिंपली पुटिंग द प्लानिंग टू एक्शन। आपने क्या करा बेटा, अपने प्लान्स जो भी बनाए, मेन प्लान सेलेक्ट करा, उसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिव प्लान, डेरिवेटिव प्लान बनाए, इम्प्लीमेंट कर दिया। बेटा ये मत सोच लेना कि आपकी जॉब ओवर होगी जैसे ही आपने इम्प्लीमेंट करा प्लान। बाबू आपको कंटिन्यूस फॉलो अप करना है, मॉनिटरिंग करनी है वेदर योर अजम्पशंस एंड द प्रेडिक्शंस आर होल्डिंग ट्रू और नॉट। याद है ना मैंने यही बोला था परसों भी। और अगर आपकी अजम्पशन, जो प्रमाइसेस आपने डेवलप करे, अगर वो सच नहीं निकल रहे, देन इमीडिएट चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द प्लान, ठीक है ना जी। बाबू एक बात मैं ऐसा बोलता हूँ, मैंने डायरेक्टिंग में भी बोला था, बाबू मेंबर्स मे कम
मेंबर्स में गो आउट बट द शो ऑफ प्लानिंग गोज ऑन। बेटा इंसान आएंगे, इंसान चले जाएंगे, प्लानिंग बेटा कभी खत्म नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन के शुरू होने से पहले प्लानिंग शुरू हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन के खत्म होने के साथ ही चीजें खत्म होती हैं। प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस एक्टिविटी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? चार हेडिंग बाबू, फर्स्ट हेडिंग क्या लिखी हुई है? प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ये हेडिंग ना पहले भी आ चुकी है और मैंने पहले भी इसकी चर्चा कर चुकी है। तो डायरेक्टिंग में भी हेडिंग आई थी, कंट्रोलिंग में भी हेडिंग आई थी। और मैं बता देता हूँ, आप किसी का भी फीचर पढ़ लेना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबके फीचर में बात लिखी हुई है कि ये क्या करते हैं। डायरेक्टिंग ऑब्जेक्टिव अचीव कराता है, कंट्रोलिंग ऑब्जेक्टिव अचीव कराता है, लिखा हुआ प्लानिंग कराता है, भाई सब कराते हैं। आपको क्या लिखना होता है? स्मार्ट लिस्ट में अपना प्लानिंग का या जो भी टॉपिक चल रहा है उसका प्रोसेस लिखना होता है। मैंने कंट्रोलिंग में भी बात बोली थी, अगर आपको याद है कंट्रोलिंग की एडवांटेज उठाकर देख लो। पहली एडवांटेज लिखी हुई है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग कह रहा मैं ऑब्जेक्टिव अचीव कराता हूँ, प्लानिंग कह रहा मैं कराता हूँ, लिखोगे क्या? वही प्रोसेस। कैसे लिखना है? प्लानिंग में आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप क्या करते हो बेटा? प्रेमाइसिस डेवलप करते हो, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करते हो जिनसे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। उन ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करते हो, बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो और फॉलोअप करते हो। अगर ये नहीं करोगे तो कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे? यही लिखना है, पूरा प्रोसेस चिपकाना है स्मार्टली। कोई मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। क्लियर बात? पांच बातें सब समझ में आई, आगे बढ़ सकते हैं। बाबू मेरे पास दो हेडिंग बचती है, एक तो है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और एक और हेडिंग है, कौन सी बची है इसके अलावा? प्लानिंग इज परवेसिव। पहले परवेसिव की बात करता हूँ, फिर फ्यूचरिस्टिक की। मैंने कल भी दी थी इसकी बात। बेटा परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। बेटा प्लानिंग हर लेवल पर होती है, बस उसका एक्सटेंट कम या ज्यादा हो सकता है। बाबू कुछ लोग बोलते हैं प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट रूल। बाबू ये बहुत बेकार स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कौन गधा है बेटा ये जो बोल रहा है कि प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल करता है? बहुत गलत बात। आप याद करो उस दिन सेटिंग ऑब्जेक्टिव पहली हेडिंग मैंने क्या बोला था? फर्स्ट ऑफ ऑल और ऑब्जेक्टिव आर सेट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर द ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल सारे डिपार्टमेंट, सारे लेवल्स, सारे एम्प्लॉई अपने अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। बाबू अगर आप ये कहोगे ना मोस्ट ऑफ द प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ मोस्ट ऑफ द प्लानिंग टॉप लेवल करता है, लेकिन आप ये कहोगे द प्लानिंग इज ओनली डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, दिस स्टेटमेंट इज वेरी रॉन्ग। प्लानिंग एक परवेसिव फंक्शन है, हर लेवल थोड़ी थोड़ी प्लानिंग करता है बेटा, ठीक है जी। वो बात अलग है कि टॉप लेवल सबसे ज्यादा प्लानिंग करता है, 90% के अप्रॉक्स आप कह सकते हो। 7-8% प्लानिंग मिडल लेवल भी करता है और लोअर लेवल भी बेटा प्लानिंग करता है, चाहे उसका एक्सटेंट कम है, बट प्लानिंग इज परवेसिव, हर लेवल पर परफॉर्म होती है बेटा, हर लेवल पर, ठीक है जी। और इवन मैनेजमेंट का हर फंक्शन परफॉर्म होता है हर लेवल पर, सारे फंक्शन परवेसिव, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? प्लानिंग और कंट्रोलिंग सबसे ज्यादा ये करते हैं, डायरेक्टिंग सबसे ज्यादा ये करते हैं, स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर सबसे ज्यादा ये करते हैं। पर ये मत कह देना कि सारे सिर्फ स्टाफिंग करता ही सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। मैंने आपको स्टाफिंग में भी ये बात समझाने की कोशिश की थी, बेटा ज्यादातर रिक्रूटमेंट मिडिल लेवल की पोस्ट है, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है। पर अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की पोस्ट ही मेरे यहाँ खाली पड़ी है, उसी का इंटरव्यू है, तो वो कौन लेगा? वो टॉप लेवल लेगा, कर दी स्टाफिंग उसने भी। ये कहना बड़ा गलत होता है कि एक ही लेवल सारे का सारा काम कर देता है, उठाकर सारी स्टाफिंग कर देता है या सारी प्लानिंग कर देता है, सारी कंट्रोलिंग, सारे फंक्शन सारे लेवल करते हैं, सारे फंक्शन पर विस्तृत है। क्लियर बात? अब बात करते हैं बेटा लास्ट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। बेटा प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, Never done for the past. It is a forward-looking function. Planning आप करते क्या हो बेटा? वो peeping into the future, prepare the plan and analyze the same. ये सब करते हो आप planning? क्या कर रहा आपने बेटा? कल मैंने परसों वाला example ही याद कर। सबसे पहले हमने क्या करा बेटा? Objective set किया? इधर देखना अच्छा रहा। बेटा past के लिए किया क्या objective set? It is for future. आप यहाँ बैठे हो बेटा, मैं हमेशा ये example देता हूँ। आप यहाँ बैठे हो बेटा,
आप में से कोई ये तो थोड़ी सोच रहा है कि मैं 11 टॉप करूंगा, अब ये सोच रहे बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसा अच्छा स्कोर करें। अभी बोर्ड एग्जामिनेशन को 8 महीने, प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर। आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो प्लान, और क्या कर रहे हो बेटा? बाबू हम प्रेमाइसिस डेवलप करते थे प्लानिंग में बेटा। प्रेमाइसिस में क्या करना होता है बेटा, यू हैव टू पीप इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर में झांकने की कोशिश करना, फ्यूचर में झांकने की कोशिश कर रहे हो आप। और बेटा अगर उस फ्यूचर में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, मेरा परसों का एग्जाम्पल इन्फ्लेशन रेट 5% हो सकता है, तो आपने क्या करा, आपने ऑब्जेक्टिव को उस हिसाब से पहले ही एडजस्ट कर। तो प्लानिंग में हम करते क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वी पीप इनटू द फ्यूचर, वी एनालाइज द सेम एंड चेंजेस इन द प्लान अकॉर्डिंगली। सब चीजें फ्यूचर के लिए कर रहे हैं हम, वन आर प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक, कैसे पास्ट के लिए हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने साथ के साथ फ्यूचर पढ़ा दिया बेटा, थोड़ा सा क्रक्स, थोड़ा सा कंक्लूजन एक बार दोबारा देता हूँ। पहले हमें हेडिंग पढ़ ली प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, क्या लिखोगे इसमें मैटर, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है रिक्वायरिंग एप्लीकेशन ऑफ माइंड साउंड जजमेंट एंड इमेजिनेशन। मैंने बताया क्या कैसे कहाँ पर क्या क्या चीजें चाहिए, आप याद करो प्रोसेस भाई। प्रेमाइसेस डेवलप करना लेमैन का काम है क्या, इट रिक्वायर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, कितना सोचना और समझने का काम है। अब ये तो सोचो, इतने सारे ऑल्टरनेटिव सोचना, थर्ड हेडिंग सोचो, इतने सारे ऑल्टरनेटिव सोचना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ये बच्चों का काम है सर। कितना इमेजिनेशन चाहिए, कितना लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए, आप ये तो सोचो। फिर उसके बाद एक ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना, इट विल रिक्वायर योर जजमेंट, साउंड जजमेंट। बेटा प्लानिंग इज अ थिंकिंग फंक्शन, ये कोई डायरेक्टिंग नहीं है जहां एक्चुअल में काम करके दिखाना पड़ेगा, यूनिट प्रोड्यूस करके दिखानी पड़ेगी, बेच के दिखानी पड़ेगी, ये सारे काम थिंकिंग के हैं। प्लानिंग इज अ थिंकिंग फंक्शन रादर देन अ डूइंग फंक्शन, इसलिए प्लानिंग को बोला गया मेंटल एक्सरसाइज। डन, फिर प्लानिंग को हमने डिसाइड करा कि वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। कैसे बेटा, प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं ना, और मैनेजमेंट का हर फंक्शन ऑब्जेक्टिव पर टिका हुआ है। ऑब्जेक्टिव साफ कर दो, सब साफ है। ऑर्गेनाइजिंग को यह समझ नहीं आएगा कितने रिसोर्सेज इकट्ठे करूं, स्टाफिंग को यह समझ नहीं आएगा कितना स्टाफ रिक्रूट करूं, डायरेक्टिंग को यह समझ नहीं आएगा एक्चुअल काम कितना लूं, और कंट्रोलिंग को यह समझ नहीं आएगा कंपेयर किससे करूं। सारे के सारे फंक्शन ढह जाएंगे। प्लानिंग प्रोसीड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर मैनेजेरियल फंक्शन, प्लानिंग सारे फंक्शन को रास्ता देता है। फिर हमने बात करी प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, बेटा प्लानिंग में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कहाँ पर, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव पर, इतने सारे ऑल्टरनेटिव में से एक सेलेक्ट करना। सर मेरे डिसीजन की जरूरत है उसको, अगर किसी काम को करने का तरीका ही एक है, फिर किस चीज की प्लानिंग कर रहे हो आप, फिर तो जरूरत ही नहीं है, वही तरीका उसी के थ्रू जाना है बस, फिर क्या सोचना और समझना है। और एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग हमेशा डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव पर, जितने ज्यादा ऑल्टरनेटिव उतनी ज्यादा प्लानिंग होगी आपकी। फिर हमने बात करी प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, ये कोई सिंगल दिन का काम नहीं, ये कोई 15-20 दिन का काम नहीं, ऐसे नहीं होगा बेटा प्लान इंप्लीमेंट कर दिया और घर चले जाओ। प्लानिंग रिक्वायर कॉन्टिन्यूस फॉलो अप, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा आपके प्रेमाइसिस ट्रू है या नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी आईडी में पूछ सकते हो। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।